सेन्ता जने अर्थशास्त्रको आमे यी अवसरमा पाइछौ जे कि होछन् समाजवादी जनपरिषद राष्ट्रिय महासचिव साथी सुनील जी सुनील जी को आमे विनम्र निवेदन करूछौ आपण मानको उद्बोधन देबे साथी सुनील जी आज के इस चेतावनी समावेश में उपस्थित मंच के साथी राष्ट्रीय किसान नेता विजय जावंदिया जी जो संबलपुर चले गए हैं, भाई लिंगराज नियमगिरी आंदोलन के नेता और समाजवादी जन परिषद के राष्ट्रीय सचिव भाई लिंगराज आजाद, त्रिनिदाद से आई बहन एथिला और गांव गांव से आए हुए चासी भाइयों बहनों और नौजवान दोस्तों, मेरे लिए खुशी की बात है। एक तो मैं माफी चाहता हूं कि संबलपुरी में नहीं बोल पाऊंगा, हिंदी में बात रखता हूं अपनी। आज खुशी की बात है कि इस चेतावनी समावेश में सरकार को और इस व्यवस्था के ठेकेदारों को चेतावनी देने के लिए आप सब लोग आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं। ये जो धान है जिसकी आप खेती करते हैं, चास करते हैं, और आपकी जो एक प्रमुख लड़ाई है इस धान के समर्थन मूल्य की, सपोर्ट प्राइस की, ये धान इस देश का और दुनिया का सबसे पुराना अनाज है, सबसे पुरानी फसल है। और एक वक्त ऐसा था जब हम कहते थे, आज भी कहते हैं, कि ये इलाका, ये देश धन धान्य से भरपूर है। धन और धान्य ये दोनों जुड़ी हुई चीजें थी। जहां धान होता था वहां समृद्धि होती थी, संपन्नता होती थी, धन और धान्य। तो जो धान, जो चास कभी समृद्धि का प्रतीक हुआ करती थी, आज उस धान की चास करने वाला, आज उस धान को पैदा करने वाला इस देश में सबसे नीचे के पायदान पर है। जो खेती करता है, जिसके लिए कहा जाता है अन्नदाता है, जो अन्न पैदा करता है, दुनिया को खिलाता है, देश को खिलाता है, वो अन्नदाता आज सबसे ज्यादा लाचार है, गरीब है। हमारी सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं कि इतने लोग चास करने की जरूरत नहीं है, गांव में रहने की जरूरत नहीं है। हमारे एक मिनिस्टर हैं, सेंट्रल मिनिस्टर चिदंबरम, उनका कहना है कि अब तो कुछ सालों में देश की आधी आबादी शहरों में रहने लगेगी। उनके दिमाग में अमेरिका और यूरोप का मॉडल है। वो कहते हैं कि बहुत कम लोग खेती करते हैं, चास करते हैं और पैदा कर लेते हैं, लेकिन भारत अमेरिका नहीं है, यूरोप नहीं है। दो तीन सवाल हैं
जो आज इस चेतावनी समावेश में हम उनसे पूछना चाहेंगे और उनके जैसे तमाम लोगों से पूछना चाहेंगे। एक तो ये कि यदि आप कहते हैं कि चास में इतने लोगों की जरूरत नहीं है, तो इन लोगों के लिए आपके पास क्या विकल्प है, क्या रोजगार है, क्या करेंगे ये सब लोग? शहरों में जाएंगे, शहर में कहां रहेंगे? तो शहर के सबसे गरीब और सबसे गंदगी वाले इलाके में रहेंगे, जिसको वो कहते हैं झोपड़पट्टी या स्लम्स। तो एक बात मुझे समझ में आती है कि ये सरकारें, वो कोई भी सरकार हो, वो मनमोहन सिंह की सरकार हो, वो नवीन पटनायक की सरकार हो, वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, ये सरकारें इस देश में चास को और गांव को कंगाल रखना चाहती है, ताकि उनको शहरों में और फैक्ट्रियों में सस्ते मजदूर मिल सके। गांव संपन्न होगा तो शहर गरीब होगा और फैक्ट्रियां नहीं चलेगी, ये शिल्पायन नहीं होगा, ये द्रुत शिल्पायन नहीं होगा। गांव संपन्न होगा, गांव में रोजगार मिलेगा, गांव के लोग कंगाल नहीं होंगे तो उनके शहरों में बिल्डिंगें नहीं बन पाएगी, अट्टालिकाएं नहीं बन पाएगी। गांव का आदमी झोपड़ी में रहता है, इसलिए उनकी अट्टालिकाएं उनके महल बनते हैं। आपको मालूम है इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, जिसका नाम है मुकेश अंबानी, उस मुकेश अंबानी ने अपने रहने के लिए जो मकान बनाया है बंबई में, वो 35 मंजिला मकान है और उस मकान बनाने की लागत 500 करोड़ रुपया है। तो 500 करोड़ रुपए से एक परिवार के लिए मकान बनता है, उसमें स्विमिंग पूल है, उसमें हेलीकॉप्टर उतरने के लिए उसके छत पे जगह है, उसमें 3 मंजिले, उस अंबानी के मकान में 3 मंजिले केवल कार पार्किंग के लिए है, कि जब कोई फंक्शन होगा, उनके मेहमान आएंगे कारों से, तो कार रखने के लिए, कार पार्क खड़ी करने के लिए 3 मंजिले हैं। तो अंबानी के महल, अंबानी की अट्टालिकाएं और गांव की चासी की गरीबी का सीधा रिश्ता है। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि क्या आप चासी को और गांव को कंगाल इसलिए रखना चाहते हैं कि आपको वहां पर सस्ता मजदूर मिल सके और आपके महल बन सके? दूसरी बात यह है कि ये जो आपकी नीति चल रही है चासी को खत्म करने की, उजाड़ने की, ऐसा लगता है इस देश में चासी की जमीन कम होती जा रही है, ऐसा लगता है कि चासी को वो नहीं चाहते हैं कि वो खुशहाल रहे, देश में आत्महत्या हो रही है चासी की, लाखों चासी आत्महत्या कर चुके हैं, और जो आत्महत्या नहीं करते हैं वो भी तिल तिल करके मर रहे हैं, उनकी जिंदगी में कोई जान नहीं है, कोई आकर्षण नहीं। चासी का बेटा, चासी का पीला चासी नहीं बनना चाहता है। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आपका पीला, आपका बेटा भी चासी बने? आप में से कितने लोग चाहते हैं? नहीं चाहते, नहीं चाहते।
क्योंकि चासी का कोई भविष्य दिखाई नहीं देता है, लेकिन चास के बगैर दुनिया चलने वाली नहीं है। अभी तक विज्ञान और टेक्नोलॉजी की तमाम प्रगति के बावजूद अभी तक ऐसा कोई आविष्कार नहीं हुआ है कि अनाज हम जो खाते हैं वो अनाज फैक्ट्री में बन सके। जो हम खाते हैं वो खेत में ही पैदा होगा, वो फैक्ट्री में नहीं बन सकता। चिदंबरम जो खाते हैं, मनमोहन सिंह जो खाते हैं, नवीन पटनायक जो खाते हैं, नरेंद्र मोदी जो खाते हैं, राहुल गांधी जो खाते हैं, वो खेत में पैदा होता है, किसी फैक्ट्री में पैदा नहीं होता है। यदि ये चासी चास करना बंद कर दे तो ये क्या खाएंगे? ताकत तो खा के पेट नहीं भर सकते, नोट खा के पेट नहीं भरा जा सकता है, डॉलर खा के पेट नहीं भरा जा सकता है, पेट तो अनाज से ही, अन्न से ही भरेगा। तो चासी इस देश का सबसे जरूरी, इस दुनिया का सबसे जरूरी और बुनियादी काम करता है, वही चासी की हालत आज खराब है। दोस्तों, इस देश की सरकार और पूंजीवादी ताकतें यही चाहती हैं कि इस देश के मेहनत करने वाले लोग, इस देश के चासी, इस देश के मजदूर खत्म हो जाएं। वो आत्महत्या करके खत्म हो या तिल तिल कर खत्म हो जाए, लेकिन आज हमको यही संकल्प लेना है कि उनकी इस इच्छा को, उनके इस साजिश को हम पूरा नहीं होने देंगे। और यदि मरना है, मरना ही है, तो अपने हक के लिए लड़ते लड़ते अपनी जान देंगे। यदि मरना ही है, ये ठीक बात है, ये कभी तो मरना है एक दिन, लेकिन मरना है तो आत्महत्या करना कायर का काम है। हमारा बहादुरी की बात ये होगी कि हम चासी के हक के लिए और इस व्यवस्था को बदलने के लिए संघर्ष करें, और उस संघर्ष करने में लाठी खाकर, गोली खाकर हमारी जान चल जाए तो वो एक शहीद का काम होगा, वो एक बहादुर का काम होगा। तो साथियों, ये व्यवस्था यही चाहती है, चासी को गरीब रखना, इस देश के गांव को कंगाल रखना। अभी मैं पूरी सूरतपुरी एक्सप्रेस से यहां आया हूं, बरगढ़ रोड पर उतरा हूं, उस गाड़ी में लोग भरे हुए थे, उड़ीसा के लोग जो सूरत में काम करते हैं, गुजरात में काम करते हैं, यहां और यहां से जाते हैं वहां पर काम करने, और साल में दो एक बार, दो बार, तीन बार कभी यहां वापस लौट कर आते हैं। मुझे बता रहे थे लोग कि सूरत में पूरा उड़िया लोगों की कॉलोनी है, उड़िया लोगों के स्कूल है, काफी बड़ी बस्ती है उड़िया लोगों की। लेकिन एक सवाल हमको ये पूछना होगा नवीन पटनायक से, या मनमोहन सिंह से भी, राहुल गांधी से भी और नरेंद्र मोदी से भी, कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उड़ीसा के नौजवान को उड़ीसा में रोजगार मिल सके, उड़ीसा के नौजवान को एक अच्छे रोजगार की तलाश में पूरे हिंदुस्तान में भटकना न पड़े, गांव के नौजवान को गांव में रोजगार मिल सके, चास में भी इतनी कमाई हो कि वो अपने बच्चों का पेट ठीक से पाल सके, और चास के साथ साथ गांव का, इस तरह का गांव में शिल्प लगे, उद्योग लगे, रोजगार लगे कि गांव के नौजवानों को गांव में रोजगार मिल सके। आज उल्टा है, आज गांव हमारे कंगाल है, गांव में कुछ नहीं है, गांव में आज जो आदमी रहता है वो मजबूरी में रहता है, वो
यदि एक अच्छा जीवन जीना चाहता है तो चास छोड़ देता है, गांव छोड़ देता है, शहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी उसको कुछ हासिल नहीं होता। तो जब नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं कि हमने गुजरात में ये करके दिखाया, तो वो ये नहीं बताते हैं कि गुजरात की जो समृद्धि है उसमें उड़ीसा और बिहार के नौजवानों का भी योगदान है, इसकी चर्चा नहीं करते। आज गुजरात गुजरात इसलिए है क्योंकि उड़ीसा कंगाल है, उड़ीसा के नौजवानों को मजबूरन पूरे देश में जाना पड़ता है काम ढूंढने के लिए। तो गुजरात की संपन्नता और उड़ीसा की विपन्नता, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शहर की समृद्धि और गांव की कंगाली, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए यदि इस चासी आंदोलन को सोचना पड़ेगा, जैसा हमारे नेता किशन पटनायक हमें बताया करते थे कि यदि चासी की खुशहाली चाहिए, चासी को न्याय चाहिए, मजदूर और चासी को एक अच्छी जिंदगी चाहिए, तो हमें सिर्फ अपने समर्थन मूल्य के बारे में ही नहीं, उससे आगे जाके सोचना पड़ेगा। हमें इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ, इसको बदलने के लिए हमें लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस रिश्ते को देखना पड़ेगा जो शहर की संपन्नता और गांव की विपन्नता का रिश्ता है। ये दुनिया के जो संपन्न लोग हैं, संपन्न इलाके हैं, और दुनिया के जो पिछड़े इलाके हैं उनके बारे में सोचना पड़ेगा, उनके रिश्ते को देखना पड़ेगा। लेकिन आज ये तमाम सरकारें उल्टा कर रही हैं, वो कंपनियों को बुला रही है, वो नवीन पटनायक हो या मनमोहन सिंह हो, वो ये कहते हैं कि कंपनियां आएंगी तो इस देश में यह देश की तरक्की होगी, ये देश आगे बढ़ेगा। लेकिन कंपनियों को बुलाने के लिए वो उनकी हर मांग को पूरा करते हैं, हर तरह के प्रलोभन और लालच देने को तैयार होते हैं, और तब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि हीराकुट का पानी कंपनियों को मिलेगा या चासी को मिलेगा। तब ये सवाल खड़ा हो जाता है कि नियमगिरी का जंगल और नियमगिरी का पहाड़ वहां रहने वाले हमारे आदिवासी भाइयों का होगा, या वेदा लंदन में रजिस्टर्ड जो है एक विदेशी वेदांत कंपनी का होगा। ये झगड़े, ये संघर्ष हर जगह है, जहां सीधे पानी लिया जा रहा है या सीधे जंगल और जमीन ली जा रही है वहां भी ये झगड़ा है सीधे रूप में, और जहां ये सीधे नहीं दिखाई दे रहा है वहां भी अप्रत्यक्ष रूप में है। जैसा मैंने कहा, यदि चासी को अच्छा दाम मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, तो उनका उनके उनकी उनकी कंपनी, उनके शिल्प, उनके उद्योग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उनको सस्ता कच्चा माल नहीं मिल पाएगा, उनको सस्ता मजदूर नहीं मिल पाएगा। तो दोनों के बीच में एक गहरा संबंध है। इसीलिए जब द्रुत शिल्पायन की बात होती है तो द्रुत शिल्पायन का मतलब क्या है? द्रुत शिल्पायन का मतलब है इस देश के जल जंगल जमीन और चास का द्रुत विनाश। उधर द्रुत शिल्पायन होगा, इधर द्रुत विनाश होगा, दोनों का गहरा संबंध है। इस संबंध को तोड़ने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और बगावत करना पड़ेगा। आज एक साजिश चल रही है। अभी इस समय मीडिया में दो लोग छाए हुए हैं, एक नरेंद्र मोदी है और एक राहुल गांधी है। एक भारतीय जनता पार्टी का नेता है, एक कांग्रेस के शहजादे हैं, युवराज हैं। दोनों की बहस में इस देश के असली मुद्दे कहीं नहीं आते। इस देश में जो सबसे बड़ी आबादी है, सबसे बड़ी संख्या है गांव में रहने वाली चासी और मजदूर की, उसके मुद्दों पर ना नरेंद्र मोदी चर्चा करते हैं, ना राहुल गांधी चर्चा करते हैं। धान का मूल्य क्या होना चाहिए, गांव का शिल्पायन कैसे होना चाहिए, गांव के नौजवानों को रोजगार कैसे मिलना चाहिए, खेती करने वाले को, चास करने वाले को सिंचाई कैसे मिलना चाहिए, फसल बीमा किस तरीके से एक धोखा है चासी को लूटने का और बरगलाने का। जब चासी पे मुसीबत आती है तो उसके
उसके मदद के लिए क्या व्यवस्था है, इसकी कोई चर्चा नहीं होती है। सातवां वेतन आयोग, पांचवा पे कमीशन, छठा पे कमीशन, सातवां के पे कमीशन, एक के बाद एक पे कमीशन आता जाता है। लेकिन इस देश में जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उनकी उनकी आमदनी, उनकी मजदूरी, उनकी उनका पे, उनकी उनके उनकी कमाई वो नीचे होती जाती है। वो पे कमीशन इसलिए आता है, वो भी कंपनियों के लिए आता है ताकि इस देश में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का माल बिक सके, उनकी कारें बिके, उनके रेफ्रिजरेटर बिके, फ्रिज बिके, वॉशिंग मशीन बिके, उनके नए फ्लैट स्क्रीन टीवी बिके, उनकी मोटरसाइकिलें बिके। कंपनियों का माल बेचने के लिए इस देश की सरकारें कुछ चंद लोगों को अमीर बनाती जाती है, उनकी तनख्वाह, उनकी आमदनी बढ़ाती जाती है। लेकिन उनकी आमदनी बढ़ती जाती है तो साधारण लोगों की आमदनी कम होती जाती है, घटती जाती है, और उनके जीवन में नए नए संकट और नई नई मुसीबत आते जाते हैं। तो अब आपने ये अच्छा मुद्दा उठाया है कि अब हम ये छठा पे कमीशन और सातवां पे कमीशन के साथ हम ये भी बात करते हैं कि यदि पे की बात करना है तो इस देश की सारी आबादी की आमदनी क्या हो इसकी बात करो। चासी की आमदनी क्या हो, मजदूर की आमदनी क्या हो, गांव में काम करने वाले की आमदनी क्या हो, शहर में मजदूरी करने वाले की आमदनी क्या हो, इसके बारे में भी आप कमीशन बिठाइए। यदि इसके बारे में आप कमीशन की बात नहीं करते हैं तो आप इसका मतलब है कि आप इस देश की बहुसंख्यक आबादी को लूटकर कुछ लोगों की जेब में पैसा डालना चाहते हैं, उनका बैंक बैलेंस बढ़ाना चाहते हैं, उनकी तिजोरी भरना चाहते हैं। तो ये अब नहीं चलेगा। हमारे एक नेता हुए हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने बहुत पहले इस बात को उठाया था कि जब देश आजाद हो गया है, अंग्रेजों का राज चला गया है, तब इस देश में अमीर और गरीब की इतनी खाई नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये मांग की थी, इस बात को देश के सामने रखा था कि देश में जिसकी आमदनी सबसे ज्यादा है और जिसकी आमदनी सबसे कम है, इसके बीच में एक और दस का अनुपात, इससे ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। यदि किसी की आमदनी 200 रुपया रोज है तो इस देश में किसी की आमदनी 2000 रुपए रोज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज्यादा गैर बराबरी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन खास तौर पे 1991 के बाद जागतिकरण की नीतियां आने के बाद इस देश में गैर बराबरी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और हर चीज का निजीकरण हो रहा है, हर चीज का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जैसे हर चीज का बाजार बन रहा है, जैसे शिक्षा का बाजार बन गया है, शिक्षा का बंटवारा हो गया है, अमीर के लिए अलग शिक्षा है, अमीर के बच्चे के लिए अलग शिक्षा है, गरीब के बच्चे के लिए अलग स्कूल है, पैसे वालों के लिए अलग अस्पताल है और गरीबों के लिए अलग अस्पताल है। ये जो बंटवारा हो रहा है इसने सुनिश्चित कर दिया है कि इस देश के बहुसंख्यक बच्चों को कभी अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकेगी। हम शिक्षा अधिकार कानून बनाया, हमने सर्व शिक्षा अभियान की योजना बनाई, सब जगह प्रचार किया सर्व शिक्षा अभियान, लेकिन शिक्षा का बंटवारा कर दिया, पैसे वालों के लिए अलग स्कूल खोल दिए, गरीबों के लिए अलग स्कूल खोल दिए, और ये सुनिश्चित कर दिया, ये तय कर दिया कि जो गरीब के बच्चों का स्कूल होगा वो ज्यादा उपेक्षित होगा, वहां पढ़ाई नहीं होगी, वहां मास्टर नहीं आएगा, मास्टर आएगा तो पढ़ाएगा नहीं, मास्टर को 5-10 तरह के दूसरे काम दे दिए जाएंगे और वहां के बच्चे 5 कक्षा 6 कक्षा 8 कक्षा में भी आने के बाद भी पढ़ना और लिखने की योग्यता उनमें नहीं आ पाएगी। ये भी एक साजिश है। ये जो बाजार बन रहा है, ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये जो निजीकरण हो रहा है, ये भी इस देश के साधारण लोगों के खिलाफ एक साजिश है, एक षड्यंत्र है। यदि सारे बच्चे शिक्षित होने लगेंगे, यदि सारे बच्चे
में काबिलियत आ जाएगी आगे बढ़ने की, तो उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ी कंपटीशन हो जाएगी, उनके बच्चों की मोनोपोली, उनके बच्चों के विशेषाधिकार खत्म हो जाएंगे। तो चासी आंदोलन को ये आवाज भी उठाना पड़ेगा कि गांव की शिक्षा क्यों खराब हो रही है। देश आजाद होने के 65 साल बाद, 70 साल बाद भी गांव में इलाज की व्यवस्था क्यों नहीं है? उनके लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया आपकी जेब में है तो आपके परिवार के आदमी का, बीमार आदमी का इलाज हो सकेगा, और यह नहीं है आपके पास तो आपको इलाज कराने का अधिकार भी इस नई व्यवस्था में नहीं है। हम उल्टा जा रहे हैं। देश आजाद होने के बाद हमारे पुरखों ने, हमारे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था, जो सोचा था, जो उम्मीद की थी कि देश आजाद होने के बाद, गुलामी से मुक्त होने के बाद ये एक ऐसा देश बनेगा जिसमें सब लोग चैन से रह सकेंगे, कोई गरीबी के कारण, भूख के कारण कोई तड़प तड़प के मरेगा नहीं, कोई भी पैसे के अभाव में इलाज करने के बगैर जो है मरेगा नहीं, सारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी, सबको अच्छी आमदनी मिलेगी, सबको अच्छा रोजगार मिलेगा, जो हर इंसान जो है उसकी इज्जत होगी। ये एक सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, लेकिन इन लोगों की गद्दारी के कारण, किनकी गद्दारी, जो लोग हमारे देश पे राज कर रहे हैं पिछले 60 साल के, इन्होंने इस देश के साथ एक विश्वासघात किया है, आजादी के आंदोलन के साथ एक विश्वासघात किया है और आज देश को इस हालत में पहुंचा दिया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ये जो चेतावनी समावेश है, इस आपके इस समावेश से एक आवाज उठाइए कि हमें न्याय चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इस देश में सम्मान से जीने का अधिकार चाहिए, और इसके लिए हम ये पूरी व्यवस्था बदलना चाहते हैं। इस पूरी व्यवस्था को बदलना होगा, ये अन्याय और शोषण पर आधारित, ये गुलामी पर आधारित, इस पूरी व्यवस्था को हम बदलेंगे। और जैसा एक कवि ने कहा है, एक शायर ने कहा है कि हम मेहनतकश जग वालों से, हम मेहनतकश, मेहनत करने वाले लोग, हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, हम एक खेत नहीं मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हम मेहनतकश जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। तो ये सारी दुनिया हमारी है, मेहनत करने वाले लोगों की है, ये हमारा है, इस पे हक हमारा है, हमें अपना हिस्सा मिलना चाहिए और न्यायपूर्ण हिस्सा मिलना चाहिए। ये लड़ाई अंततः हमारी लड़ाई है, तभी इस देश में चासी और मजदूर और सारी मेहनत करने वाले लोग चैन से और इज्जत की जिंदगी जी सकेंगे। इस लड़ाई के लिए हमें तैयारी करना चाहिए, इसके लिए संकल्प करना चाहिए, और फिर एक बार ये तय करना चाहिए कि आत्महत्या हमारा रास्ता नहीं है। यदि मरना है तो हम दुनिया को बदलने की, न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते अपने पीठ पर गोली झेलकर एक शहीद की मौत मरेंगे, कायर की मौत नहीं। धन्यवाद।